नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नाई न्यूज। एसपीएन नाई न्यूज में आज बातचीत करेंगे अपर्णा यादव की। दरअसल रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मोरे पर कैसे कैसे हमले हुए ये आप सब ने देखा और हमने हर एक रिपोर्ट आप तक बारीकी से पहुँचाते रहा। फिर से आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपर्णा के उन सवालों को लेकर जो सवाल पिछले एक महीने से उठ रहे थे। निकाय चुनाव का था पता नहीं है, उनके डेट्स भी अभी तक नहीं आए हैं और कब आएंगे ये हमको पता भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट के फटकार के बावजूद अगर चुनाव आयोग या योगी सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर हम और आप पे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन पार्टियों में फ़र्क पड़ रहा है, जिसमें से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है जो सड़कों पे आ रही है, तैयारियां कर रही हैं। मैनपुरी खतौली जीतने के बाद उन्हें लग रहा है कि अब हम हर एक चुनाव जीत लेंगे, हालांकि रामपुर वो हार गए थे। अब इन सब के बीच में जो सबसे लाजमी और अहम सवाल है वो ये कि अपर्णा यादव क्या करेंगे, क्या अपर्णा यादव निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला कर देंगे? क्या वाकई में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कुछ वापसी का वो सपना देख रही हैं? क्योंकि जिस तरीके के बयान चाचा शिवपाल के आ रहे हैं वो हम सबको चिंता कर रहे हैं, जिस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं वो हम सबको बेचैन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपर्णा के कोई आधिकारिक बयान ना आने के बावजूद आखिर किस वापसी की बात की जा रही है और वापसी की बात हो भी क्यों रही है? तो ये सवाल वाकई में हम सबको चुभ रहा है और चुभे भी क्यों ना, क्योंकि अपर्णा बीजे अगर वो वापसी करती तो फिर वो जाते क्यों? लेकिन चर्चाओं का माहौल बन गया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अपर्णा अब जिस तरीके से बीजेपी उनके साथ धोखा कर रही है, उनको जिम्मेदारी नहीं दे रही है, ना उनको टिकट दे रही है, लिहाजा इन सब चीज़ों को देखते हुए अपर्णा यादव वापसी कर लेंगे। अब देखते हैं वापसी करेंगे कि नहीं, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग का क्या रुख रहेगा और अगर अपर्णा वापसी कर लेती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी उन्हें कौन सा रोल अदा करती है, कौन सा अहम जिम्मेदारी देती है, क्या जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और चाचा शिवपाल को मिली क्या वैसा ही मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल रह जाएगा। आजकल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।